आज हम इन्वर्टर जो है वो इंडोर लगाने वाले हैं। ये देखिए, हमने होल कर दिया है यहाँ पे, तो कमरे में इन्वर्टर हम लगाने वाले हैं आज। इसको खोलते हैं। और आप ये स्क्रिप जब भी निकालें तो कोशिश कीजिए कि इसके जो स्क्रूज हैं एसी में लगा दें, क्योंकि मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर ये आपसे गुम हो गए, लॉस हो गए, तो बड़ी मुश्किल से आपको मिलेंगे ही। कोशिश किया करें स्क्रिप निकाल के आप ये स्क्रू वापस इसमें लगा दें। अच्छा, ये लगाते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसकी केबल का एक भी कॉपर जो है वो बाहर ना आए, एक दूसरे से टच ना हो। सारे कॉपर जो है वो टर्मिनल के अंदर इसके जाने चाहिए। इसी तरह हम दूसरा लूज़ करेंगे और इसमें कनेक्शन लगाएंगे इसका। तो ध्यान से हमें काम करना पड़ता ही है। वैसे तो जो है हम पहले वॉल में ये माउंट करके फिर कनेक्शन करते हैं, लेकिन अभी कुछ वजूहत ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इसको अभी पहले माउंट नहीं कर रहे हैं। तो वो हम वजूहत आपको बताएंगे क्या वजूहत हैं इसकी कि हमने इसको पहले माउंट नहीं किया। वजूहत ये है कि टाइम हमारे पास कम है और ये अंकल ड्रिल ढूंढ रहे हैं। बैठा होगी ये ड्रिल ढूंढ रहे हैं और ड्रिल इनको मिल नहीं रही, बेल्ट नहीं मिल रही इनको, इसलिए जो है वो टाइम यहाँ पे लग रहा है थोड़ा। अच्छा, पीवी वायर के लिए जो है हमारे पास यहाँ पे 110-76 मौजूद है मिलियन का, जो हमारे पास अवेलेबल था हम वही यूज़ कर रहे हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा इसमें इंग्लिश कॉपर कम से कम 6 mm का आप यूज़ करें, जबकि हाइट आपकी 3 मंजिल हो तकरीबन। तो मिलियन का वायर कभी भी जो है नेगेटिव पॉजिटिव अलग मत कीजिए, नेगेटिव की वायर पूरी अलग बनाएं और पॉजिटिव की वायर पूरी अलग बनाएं। एक की वायर में से दोनों करंट कभी भी नहीं गुजारें, माइनस प्लस कभी भी नहीं गुजारें। जो है वो लाइट प्लग है इसकी चार्जिंग देने के लिए इसको। हमारी जो है वो लग चुकी है और हम पॉजिटिव लगाने की भी तैयारी जारी है। मार्किंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वायर जो है वो एक ही कलर का है हमारे पास, इसकी हम मार्किंग कर दें कि नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। देखिए नाज़रीन, इसकी हमें जो है मेजरमेंट करके लगाना है इसको, बिल्कुल सीध देखनी है इसकी। इसको मार्क करेंगे पहले हम, फिर जो है ड्रिल के ज़रिए इसमें रोल प्लग लगाए जाएंगे, उसके बाद इसमें स्क्रूज लगेंगे।
ड्रिल टू ड्रिल में से कर रहे हैं। थोड़ा लूज छोड़ देना। अच्छा वायर पीछे कह रहे, नाज़रीन सेटिंग्स की अगर बात की जाए तो इसकी हम जो है वो सेटिंग करेंगे सोलर फर्स्ट पे। सोलर फर्स्ट पे हमें करना है इसको। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी बिजली बचाना चाहते हैं तो हम इसको सोलर फर्स्ट पे रखेंगे पहली सेटिंग को, और फिर हम आए दूसरे पे, तीसरे पे। अब ये ऑप्शन पूछते हैं अप्लाइंसेस या फिर यूपीएस के तौर भी यूज़ करना है तो आपको अप्लाइंसेस के तौर भी यूज़ करना है इसको। और चौथे पे आ गए एजीएम, ये बैटरी टाइप पूछ रहा है कि आपने कौन सी बैटरी लगाई है। तो बैटरी हमने जो है यहाँ पे पानी वाली तेज़ाब वाली लगाई है, तो इसको हम जो है वो फ्लोडिट कर देंगे यहाँ से एजीएम से लेके हटा के हम ये फ्लोडिट पर ले आए इसको। ठीक है, ये हमने सेव कर दी। और मज़ीद आगे चलते हैं, जो नॉर्मली सेटिंग्स जो हमें करनी होती है। यूटिलिटी से कितने एम्पेयर से चार्ज करेगा, तो हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचानी है तो हम इसको जो है 10 एम्पेयर पे इसको हम कर देते हैं, ताकि अगर यूटिलिटी पे चार्ज भी करें तो ये 10 एम्पेयर से चार्ज करे, आपकी कम से कम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो। और ये पूछ रहा है कि आप चार्जिंग किस चीज़ से करना चाहते हैं 16 नंबर की सेटिंग पे। तो हमने यहाँ पर SNU और इसी पे हम रहने देंगे, सोलर एंड यूटिलिटी, यानी दोनों पे हम जो है वो इसको चार्ज करना चाहते हैं। तो SNU पे ही छोड़ देंगे हम इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बज़र का पूछ रहा है कि एरर वगैरह के लिए, वार्निंग के लिए जो बज़र बजता है उसको आप ऑन रखना चाह रहे हैं या ऑफ़ करना चाह रहे हैं। तो हमें इसको ऑन रखना है तो इसको हम ऑन पर ही छोड़ देंगे, बज़र ऑन पर छोड़ देंगे। ठीक है जनाब, पास का सेटिंग है इसमें जो करनी है हमें। तो ये बैटरी कट ऑफ की सेटिंग पूछ रहा है, तो तकरीबन सही है सारी सेटिंग्स जो है वो हमारी यूजेज के मुताबिक ही हैं। हमने इसको सेफ कर दिया बाईपास पे, ताकि हमारा इन्वर्टर जो है वो बाईपास यानी कि इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट चल रहा है। और अगर हम इसको ट्रांसफ़र टाइम अगर हम चेक करें तो ये हमने जो है वो ये कैरेक्टरिक हमने बंद की, कोई इसमें जो है वो टाइम 0.5 मिली सेकेंड्स में लगते हैं इसको चेंज होने में। ये देखिए, अब ये बैटरी मोड पे आ गया है, जैसे हम ये इलेक्ट्रिक हम ऑफ ऑन करते हैं दोबारा, तो ये कैरेक्टरिक मोड पे हमारा इन्वर्टर आ गया है।